निवेशकों से प्रत्येक सप्ताह वेबिनार या वेब डेस्क के माध्यम से बातचीत करने का कार्यक्रम तैयार किया गया। पर्पल चंडीगढ़ से खास रिपोर्ट। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार द्वारा पुनः निवेशकों को आकर्षित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से आरंभ की गई योजनाओं के तहत हरियाणा में निवेश के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहल पर हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास एवं आधारभूत संरचना निगम के प्रबंधक निदेशक अनुराग अग्रवाल ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित देश के निवेशकों को प्रत्येक सप्ताह वेबिनार या वेब डेस्क के माध्यम से बातचीत करने का कार्यक्रम तैयार किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए अनुराग अग्रवाल ने बताया कि कंपनियों व निवेशकों को अवगत करवाया गया है कि हरियाणा अन्य राज्यों की तुलना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सड़क हवाई कनेक्टिविटी रखने वाला निवेशकों के लिए सबसे पहले ही एक उपयुक्त स्थल है। आज की वेब डेस्क मीटिंग में 3-4 कंपनियों के वेयर हाउसिंग व लॉजिस्टिक में निवेश के लिए इच्छा व्यक्त की। इनमें से ATL बैटरी टेक्नोलॉजी वाली एक कंपनी भी शामिल है, जिसने IMT बावल में ATL बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इकाई स्थापित की और अब यह कंपनी IMT सोहना में भी अपनी दूसरी इकाई स्थापित करना चाहती है। इसके लिए इस कंपनी को 170 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाएगा। कंपनी की इस मदर इकाई के साथ ही सहायक औद्योगिक इकाइयाँ भी लगेंगी, जिसमें कई प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध होने के साथ साथ HSII DC की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। इसी प्रकार पानीपत में भी आज एक कंपनी द्वारा बल्क ड्रग इकाई स्थापित करने की पेशकश की गई। अब देखें पलपल की विशेष रिपोर्ट। एक वेबिनार या वेब डेस्क का आयोजन किया गया था और उसमें 4-5 कंपनीज ने इंडिविजुअली पार्टिसिपेट किया, तो उन कंपनीज की जैसा आप जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हरियाणा में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए और HSIDC उन निर्देशों के अनुसार हर हफ्ते नए नए इंडस्ट्रियलिस्ट से इंडिविजुअली बात करके और उनको हरियाणा में निवेश करने के लिए आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। तो आज के प्रोग्राम में 3 कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें से कुछ कंपनियां तो ऐसी थीं जो हरियाणा में और दिल्ली के आसपास का जो हमारा इलाका है उस इलाके में वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स का बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने प्राइवेट लाइंस पर कुछ बिजनेस स्थापित किया भी है, पर उनके हिसाब से वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स के लिए लैंड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। जैसा हम जानते हैं दिल्ली NCR में हरियाणा से अधिक अच्छा और हरियाणा से अधिक वेल कनेक्टेड अन्य कोई क्षेत्र नहीं है, तो इस क्षेत्र में काफ़ी कंपनियों से हमारी बातचीत चल रही है और जल्दी ही हम अपनी कुछ ना कुछ लैंड उन लोगों को बेच कर नियम के अनुसार EMP के अनुसार बेच कर उनको भी सहूलियत प्रदान करेंगे, हरियाणा के लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे और HSIDC के आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे। इसी प्रकार से एक कंपनी है जो बैटरीज बनाती है और विदेशी कंपनी है, वो सोना में इंटरेस्टेड हैं। करीब 170 एकड़ लैंड IMT सोना में लेना चाहते हैं, वहाँ पर निवेश करना चाहते हैं, अपना प्लांट लगाना चाहते हैं और अपनी एंसिलियरीज को भी बुलाना चाहते हैं। उनके साथ भी आज बातचीत हुई और काफ़ी एडवांस स्टेज पर है वो बातचीत और उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम उनको सोना में लेकर आ पाएंगे और उस पूरे इलाके में रोजगार बढ़ेगा और अन्य भी इंडस्ट्रीज
उनके साथ साथ वहाँ पर आएंगी। इसके अलावा कुछ जैसे हम पानीपत में एक बल्ब ड्रग पार्क प्लान कर रहे हैं, तो कुछ लोग थे, कुछ इंडस्ट्रीज थी जो बल्ब ड्रग की यूनिट्स लगाना चाहती हैं, उनके कुछ प्रश्न थे जिनके हमने आज जवाब दिए और उनका निराकरण करा। तो इस प्रकार आज का वेब डेस्क कार्यक्रम बहुत सफल रहा।